वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राणियों का समूह क्लोम द्वारा श्वसन करता है। बताना है कि इनमें से प्राणियों का कौन सा समूह क्लोम द्वारा श्वसन करता है। तो मत्स्य, मोलस्का और जली आर्थ्रोपोडा, ये तीनों क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। आपके एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है कि क्लोम द्वारा श्वसन मत्स्य, मोलस्का और जली आर्थ्रोपोड करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन निगलते समय कौन सी संरचना आहार को कंठ में प्रवेश करने से रोकती है। कंठ यानी कि लैरिंग्स में प्रवेश करने से रोकती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है उपास्थिल फ्लैप। आपके एनसीईआरटी में सीधा दिया गया है, यानी कि ईपीपी ग्लॉटिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एक को छोड़कर बाकी सभी को अपूर्ण उपास्थिल वलयों द्वारा आधार यानी कि सपोर्ट प्रदान किए जाते हैं। यानी कि बताना है कि इनमें से किसको छोड़कर, यानी कि कौन उपास्थिल वलयों द्वारा आधार प्राप्त नहीं करता। तो जो श्वसनीय श्वसनिका यानी कि रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल्स होती हैं, उनको अपूर्ण उपास्थिल वलयों द्वारा आधार प्राप्त नहीं होता है, अन्य सभी को प्राप्त होता है। आप सीधे याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन और वायु के दोनों के लिए कौन सा एक उभयनिष्ठ मार्ग है। तो सीधे आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो वह है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में वायु का सही मार्ग बताना है। तो मानव में जो वायु का सही मार्ग है वह है नासा गुहा, उसके बाद फिर ग्रसनी, उसके बाद स्वयर यंत्र, उसके बाद श्वास नाल, उसके बाद श्वसनी, उसके बाद श्वसनिका, उसके बाद कुपिका। आप सीधे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई संरचनाओं के लिए निम्न नामांकनों पर विचार कीजिए तथा उनकी व्यवस्था के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें सही चयन यहाँ पर इस इनके क्रम के अनुसार करना है। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद फिर टर्सरी ब्रोंकाई, और उसके बाद फिर हमारा टोटल पल्मोनरी ब्रोंकाई, उसके बाद हमारा टर्मिनल ब्रोंकाई, और उसके बाद हमारा आता है रिस्पायरेटरी ब्रोंकाई। हमारा अब ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्वसनीय नलिका में मत अवशेषी वायु यानी कि यहाँ पर यह मृत अवशेषी वायु यानी कि डेड स्पेस एयर उपस्थित नहीं होता, यानी कि किसमें डेड स्पेस एयर उपस्थित नहीं होता है यहाँ पर ये हमको बताना है। तो इसमें से हमारे कुपिकीय नलिका में डेड स्पेस वायु उपस्थित नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के कौन से कशेरुका के स्तर पर श्वास नल यानी कि ट्रेकिया विभक्त होकर श्वसनी बनाती हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा जो ट्रेकिया होता है वह पांचवी वक्षीय कशेरुका यानी कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री से यह विभक्त होकर श्वसनीय बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया विधि के पदों को उनके संपन्न होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि श्वसन के चरणों को हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले श्वसन या फुफ्फुसीय 57, और उसके बाद फिर होता है हमारा कुपिकीय झिल्ली के आर पार गैसों का
विसरण होता है, उसके पश्चात फिर रक्त द्वारा गैसों का परिवहन होता है, उसके बाद फिर रक्त व ऊतक के बीच O2 व CO2 का विसरण होता है, उसके पश्चात फिर कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग होता है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीटों का श्वसन अंग है, बताना है कि कीटों का श्वसन अंग है। तो कीटों का श्वसन अंग श्वसन नलिकाएं यानी कि ट्रेकियल ट्यूबुल्स है। और मिलते हैं अब अगले 10 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में।